ठीक है, तो C3 कन्वर्टेज एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड हियर इन द क्लासिकल पाथवे, इसीलिए लिखा है द मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज एंजाइम C4B2A नाउ हाइड्रोलाइजेस C3 जनरेटिंग टू अनइक्वल फ्रेगमेंट्स द स्मॉल एनाफिलाटॉक्सिन C3A एंड द पाइवोटल फ्रेगमेंट C3B. ए सिंगल C3 कन्वर्टेज मॉलिक्यूल कैन जनरेट ओवर 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ C3B. Resulting in tremendous amplification at this step of the classical pathway because C3B works as opsonin also C3B का तीन फेट है. C3B का क्या है? तीन फेट है. आप देखिए पहला में क्यों C3B का amplification जरूरी है, इस फोटो में भी आप देख सकते हैं. देख रहा है फोटो, C3B is part of C3B. पहला तो C3B जो है opsonin है, प्लस C3B इज पार्ट ऑफ C3 कन्वर्टेज एंजाइम ऑल्सो इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे. सेकेंड, C3 कन्वर्टेज C3B इज पार्ट ऑफ C5 कन्वर्टेज ऑल्सो. तो C3B बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इसकी इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है C3 का, C3 कन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा, रिजल्टिंग इन ट्रिमेंडस एम्प्लीफिकेशन. द जनरेशन ऑफ C3B इज सेंट्रली इंपॉर्टेंट टू मेनी ऑफ द एक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. डिफिशियंसीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट दैट एक्ट प्रायर टू C3 क्लीवेज लीव द होस्ट एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू बोथ इन्फेक्शियस एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस. C3 का सेंट्रल रोल है. C3 बनने से पहले तक, C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनने से पहले तक, ओके, या C3B बनने से पहले तक का जो पाथवे है उसके में जो जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट लग रहे हैं, अगर उसकी डिफिशियंसी हो गई, अगर ओके तो डिफिशियंसी हो गया तो C3 बनने के पहले का कंपोनेंट यानी C3B नहीं बन पाएगा, तब क्या होगा, दे आर वल्नरेबल to many infectious and autoimmune diseases also, where as deficiencies of components later in the pathway, C3B के बनने के बाद का पाथवे में अगर deficiency है, okay, in the pathway are generally of lesser consequence. This is because C3B acts in three important and different ways to protect the host. तीन तरीका से, अलग अलग तरीका से ये होस्ट को प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को, C3B इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोगों को जानना जरूरी है. तो आपको हमेशा दिन रात 2400 घंटा ये बचा रहा है, ओके, तो इसको जान लो, आप क्यों नहीं जानोगे. पहला काम क्या है, फर्स्ट इन ए मैनर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ C4B, यानी C4B C3B ये सब क्या है आपका, ऑप्शनाइजेशन करता है. C4B C3B binds covalently to the microbial surface. दिखाया ही कैसे covalently bind करता है, like this, providing a molecular tag. bind करने के बाद क्या हो गया, टैग हो गया. आप लोग करते हो ना सोशल मीडिया पर टैग, तो टैग हो गया. अब ये टैगिंग की वजह से इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून सेल्स इन्वॉल्व इन द इम्यून रेस्पॉन्स, उनको आसानी होगा इसको खोजने में, पकड़ने में, क्योंकि उसके ऊपर रिसेप्टर है इस टैग को पकड़ने के लिए, ठीक है, C3B C4B रिसेप्टर, एंड देयर बाय अलाउइंग फेगोसाइटिक सेल्स विथ C3B रिसेप्टर्स टू एनगल्फ द टैग्ड माइक्रोब्स, अलाउइंग फेगोसाइटिक सेल्स. फेगोसाइटिक सेल्स कौन से हैं आपके, सब ये न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल्स हैं ब्लड के, ओके, इवन इन द टिश्यू ऑल्सो, टिश्यू मैक्रोफाजेस आर ऑल्सो फेगोसाइटिक सेल्स ऑन दोज टिश्यू, और इवन म्यूकोसल लाइनिंग में आपका फेगोसाइटिक सेल्स आर देयर, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में फेगोसाइटिक सेल्स आर देयर, ओके, ब्लड में जो फेगोसाइटिक सेल्स है वो न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स ये सब फेगोसाइटिक सेल्स है. तो कलेक्टिवली इस सबको मैक्रोफाजेस बोला जाता है. तो इसके मैक्रोफाजेस के ऊपर भी CR1 होते हैं, ओके, तो CR1 इज रिसेप्टर फॉर C3B एंड C4B. तो अगर C3B C4B ऑप्शनाइज है, टैग किया हुआ, तो CR1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द cell surface of the WBC will easily recognize this opsonized foreign cell. This process is called as opsonization. Second, दूसरा काम C3B क्या कर रहा है, C3B molecules can attach to the Fc portion of the antibodies. याद रखिए, ये भी हम आपको बता चुके हैं,
ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इन सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर तो ऑप्शनाइज कर गया, तो ये तो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया। सोल्यूबल फ्रैक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एक तो एंटीजन सरफेस बाउंड भी है, तो एंटीबॉडी बाउंड किया उसे, एंटीजन एंटीबॉडी तो सरफेस पर हो गया, और एंटीजन अगर सोल्यूबल फॉर्म में है, कोई प्रोटीन फ्रेगमेंट है आपका फॉरेन सेल का, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, तो इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से भी, सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से भी, यानी जिसको हम सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स एक सर्कुलेटिंग भी हो सकता है, एक सरफेस बाउंड भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम क्या देख रहे थे, क्लासिकल पाथवे में इम्यून कॉम्प्लेक्स इज सरफेस बाउंड हियर, लेकिन जब इम्यून कॉम्प्लेक्स सरफेस बाउंड नहीं है, देन तब कैसे उसको करेंगे आप टैग मार्क, क्योंकि वो डेंजरस है इम्यून कॉम्प्लेक्स, उसको क्लियर होना जरूरी है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब है तो C3V जो है वो बाइंड करता है, कैन अटैच टू द Fc पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी पार्टिसिपेटिंग इन द सोल्यूबल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस में हम बताए ही थे Fc पोर्शन जब बाइंड करेगा तो भले ही IgG हो चाहे पेंटामेरिक IgM हो, दोनों का स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। IgG में कम होता है, उसमें ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है। इस चेंज होने की वजह से आपका C3B जो है Fc पोर्शन पर इट कैन बाइंड, तो ये भी बाइंडिंग जो है कोवेलेंट बाइंडिंग होती है। एंड दीज C3B टैग्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर बाउंड बाय C3B रिसेप्टर्स ऑन फैगोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स से C3B अगर बाउंड है तो C3B C4B रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन RBC, जैसे सर RBC के ऊपर जो CR1 है उसका क्या काम है, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स को क्लियर करना। बताया थे आपको पहले कहाँ कर रहा था, लीवर के अंदर, और कॉन्वे कर रहा है लीवर में कूफर सेल जो है उसको कैंची चला रहा है, ऊपर से क्लीवेज कर रहा है ऊपर, ओके। तो दूसरा काम हो गया C3V का, एक तो क्या काम हो गया, ऑप्शनाइजेशन, यानी सरफेस पर बाउंड है C3B जिसके द्वारा फेगोसाइटोसिस में मदद मिल रही है। दूसरा काम हो गया C3B का, इट इज बाइंडिंग टू द Fc पोर्शन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, सोल्यूबल भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है, सोल्यूबल भी जब है तो ये जो है C3B रिसेप्टर जो है आपका प्रेजेंट है मैक्रोफाज और ब्लड सेल्स के ऊपर, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, इट विल कैरी, उसको पकड़ के ले जाएगा और वहां पर उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा लीवर के अंदर, ओके। दूसरा काम हो गया, दिस C3B टैग्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर बाउंड बाय C3B रिसेप्टर्स ऑन फेगोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आर इधर फेगोसाइटोज और कन्वेड टू द लीवर वेयर दे आर डिस्ट्रॉयड। फाइनली तीसरा काम भी कर रहा है C3, तो देख लीजिए C3 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फाइनली सम मॉलिक्यूल्स ऑफ C3B बाइंड द मेम्ब्रेन लोकलाइज C4B टू ए एंजाइम टू फॉर्म द ट्राई मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स C4B टू ए 3B, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा काम भी यही है, तो काम क्लासिकल पाथवे का। दीदी तुम्हारा माइक ऑन है, ऑफ फिर बच्चा को दे दियो क्या, ठीक है ना। तो क्या तीसरा काम हो गया, C5 कन्वर्टेज एंजाइम बनाना, और क्या। C5 कन्वर्टेज एंजाइम कैसे बन रहा है, C4B2A से C3B ऐड हो रहा है तो C5 कन्वर्टेज एंजाइम बन रहा है, यही बोल रहा है ये। तीसरा काम जो है, पहला ऑप्शनाइजेशन, सेकेंड इज द क्लियरेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, थर्ड वन इज आपका फाइनली सम मॉलिक्यूल्स ऑफ C3B बाइंड द मेम्ब्रेन लोकलाइज C4B2A। मेम्ब्रेन लोकलाइज, मेम्ब्रेन से बाउंड है, ठीक है ना। क्लासिकल पाथवे में मेम्ब्रेन से बाउंड था क्योंकि C4B जैसे C1s क्लिप किया, C4B कोवेलेंटली बाउंड हुआ, ओके। उससे फिर C2 बाउंड हुआ, C2 फिर क्लिव होकर C2A बनाया C4, तो नाउ द फाइनल एंजाइम C3 कन्वर्टेज इज इन द बाउंड स्टेट। ये बाउंड स्टेट एंजाइम है, इसलिए लिख रहा है मेम्ब्रेन लोकलाइज C4B2A एंजाइम टू फॉर्म द ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अब इससे
C4B2A से जब बाइंड कर जाएगा C3B तो क्या हो गया, ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया, एक मॉलिक्यूल हो गया C4B, एक हो गया C2A, एक हो गया C3B टू फॉर्म द ट्राई मॉलिक्यूलर एंड नाउ दिस इज ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि C4B मेम्ब्रेन बाउंड था, उससे 2A जुड़ा हुआ है, अब C3B भी बाउंड हो गया, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, तो मेम्ब्रेन बाउंड C5 कन्वर्टेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, दैट इज C4B, C2A, C3B, ठीक है, तो तीसरा काम हो गया। हाँ सर, वो C4B2A3B जो लिखा हुआ है तो वो मतलब लिखने में वैसे यूज करेंगे, बोलने में तो सी सब में आ रहा है ना, इंक्लूडेड है, जैसे C4B, C2A, C3B। नोमेनक्लेचर है, अगर इस तरह से लिखा हुआ समझ जाओ कि इसमें C4B फ्रेगमेंट इज ऑल्सो देयर, C2A फ्रेगमेंट इज ऑल्सो देयर, C3B फ्रेगमेंट इज ऑल्सो देयर। आप समझ लो कि C के ये 4 जो यहाँ ब्रैकेट शुरू हो रहा है, इमेजिन कर लो ये ब्रैकेट है, यहाँ पर C ब्रैकेट से बाहर है, तो 4B, C4B है भी है, C2A भी है, C3B भी है। आप इसको छोटा हो गया, अगर बड़ा लिखना चाहते हो तो बड़ा लिख लो, C4B, C2A, C3B भी लिख लो, वो भी सही है। इसको C3 कन्वर्टेज एंजाइम, सर यहाँ कॉम्प्लेक्स उससे भी क्या बोले क्या बोले, मुझे सवाल जो पूछता है मुझे बहुत पसंद आता है, कोई क्वेश्चन पूछे मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ बोलो, क्या कौन था, क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है इसीलिए सब एक साथ है सर, सो किया हुआ है। C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स है, C4B, इस कॉम्प्लेक्स में C4B फ्रेगमेंट भी है, C2A है, C3B है, बार बार बता रहे हैं ना, C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स कैसे बना, C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स में C3B ऐड हो गया, ठीक है ना। C3B कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स क्या था क्लासिकल पाथवे का, C4B2A, C4B2A है C3 कन्वर्टेज, ये C4 इस C3 ये कन्वर्ट किया C3 को C3B में, और वो C3B अगर इसी से फिर बाइंड कर गया C3 कन्वर्टेज से, यानी C4B C2A से, तो ट्राई मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड C5 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स जनरेट हो गया, यानी C4B 2A 3B। दिमाग में बैठा लो इसको, भूलोगे बार बार, समझ तो गए ही होगे, लेकिन थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा आपको ये यहाँ पर, ठीक है। तो C3B कंपोनेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू C5 एंड द कॉम्प्लेक्स देन लीव्स C5 इनटू टू फ्रेगमेंट C5B एंड C5A, फिगर 6554 फिगर। हाँ यही था 6-5 फिगर, उसका 4 फिगर ये, ठीक है ना, ये बता दिए, देख लो C5 कन्वर्टेज जो है C5B और C5A को में बदल रहा है C5 को, दिस C5 कन्वर्टेज इज देयर फॉर द C5 कन्वर्टेज ऑफ द क्लासिकल पाथवे C4B, C2A and C3B is therefore the C5 convertage of the classical pathway. This trio of tasks accomplished by C3B molecule places it right at the center of the complement attack pathways. As we will see, C5B goes on to form the MAC with C6, C7, C8 and C9. Once the अब क्लासिकल पाथवे के बाद अब हम लोग लैक्टिन पाथवे पर आएंगे। C5B बन गया, ठीक है, क्लासिकल पाथवे में अब कहां C5B तक के बनने की कहानी हम लोग देख लिए, ओके। पहला ये C5B जो है वो C6 और 7, 8, 9 के साथ मिल मिलके अलग अलग मैक बनाएगा, एक मैक का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये मैक क्या है, ये मैक जैसे एक कोई किसी को बुलेट से मार दिया बॉडी में गोली से, तो क्या हुआ, छेद कर दिया बॉडी में, मर जाएगा। अब देखो ये मैक जो है एक तरह से बुलेट है, हमारे द्वारा चलाया हुआ बुलेट है जो पैथोजन को सेल सरफेस को बींध रहा है, बहुत सारा मैक का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये मैक का फॉर्मेशन से एक सेंट्रल में एक इसके बीच में एक पोर क्रिएट हो जाता है, जिससे इसका साइटोप्लाज्म जो है रिस करके बाहर आ गया, छेद सूख गया, सेल लाइज कर जाता है पैथोजन का,
तो इस मैक के फॉर्मेशन में कोई एक प्रोटीन नहीं है, ओके, दिस इज अगेन ए सुप्रा मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स। इन दिस सुप्रा मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स द फर्स्ट इट विल बी इनिशिएटेड बाय C5b, व्हेन C5b बाइंड्स टू C6 एंड देन इट विल बाइंड टू C7, देन C8, देन पॉली C9। ये जो है ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है ये C9 है, ये बहुत सारे C9 मॉलिक्यूल है। और C6 बैगनी वाला देखो ये C6 है, यहाँ ये पर्पल कलर का, दिस इज C7, दिस इज C8, दिस येलो वाला इज C5b, ओके, दिस मॉलिक्यूल, दिस कॉम्प्लेक्स इज मेंडेलियन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो ये मेम्ब्रेन अटैक्स कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए C5 जरूरी है। तो C5 बनने तक की कहानी हम लोग क्लासिकल पाथवे का अभी देख लिए हैं। अब हम छोटा सा ही है, शॉर्ट में हम लैक्टिन पाथवे बता देते हैं, कॉमन है क्योंकि अब इसको पढ़ाने के लिए ज्यादा हमको इसके आगे हमको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताने की जरूरत, क्योंकि ये इतना ही थोड़ा डिफरेंट है, ये भी हम थोड़ा बहुत बता ही दिए हैं आपको लैक्टिन मास्प, ओके। तो ये क्लासिकल पाथवे में हम लोग C5b तक पहुंच गए हैं। अब लैक्टिन पाथवे जो दूसरा पाथवे, ये भी लैक्टिन पाथवे क्या हो गया, इननेट कंपोनेंट ऑफ योर इम्यूनिटी। क्लासिकल पाथवे एडेप्टिव कंपोनेंट है, ओके। तो क्लासिकल पाथवे में C5 बन गया, और उसके बाद मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, लास्ट में उसको देखेंगे तीनों पाथवे के बाद। तो सेकेंड पाथवे इज लैक्टिन पाथवे एंड इट इज इनिशिएटेड व्हेन सॉल्युबल प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज द माइक्रोबियल एंटीजेंस, ओके। सो हाउ इट, अब हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, आप तुरंत समझ जाओगे, थोड़ा सा ही बचा है बस, ओके। उसके बाद यहां तक में लैक्टिन पाथवे खत्म हो जाएगा, अल्टरनेट पाथवे हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज लैक्टिन पाथवे खत्म कर देते हैं। तो लैक्टिन पाथवे कैसे स्टार्ट हो रहा है बताए ही थे ब्रीफ में, पहले देखिए पढ़ देते हैं। लैक्टिन पाथवे लाइक द क्लासिकल पाथवे प्रोसीड्स थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, इसका भी C3 कन्वर्टेज जो है इज कम्पोज ऑफ C4b एंड C2a, दोनों का कॉमन है C3 कन्वर्टेज। हाउएवर इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ऑन एंटीबॉडीज टू रिकॉग्नाइज द माइक्रोबियल थ्रेट and to initiate the complement activation process, this pathway uses lactins, and these lactins are proteins, special proteins that recognize specific carbohydrate components primarily found on microbial surfaces, okay। ek specific kyun hai, aisa nahi ki glucose ko bhi identify kar lega, mannose ko bhi kar lega, pentose अगर है तो उसको भी कर लेगा, नहीं, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक शुगर प्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक पैटर्न, देन दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो जो पैटर्न है दैट विल वर्क एज मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन पैटर्न। और हमारा लैक्टिन जो है मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, सॉल्युबल रिसेप्टर है, इट विल बाइंड टू those pattern recognition molecule present on the pathogen surface, so primarily found on and these pattern recognition molecule, these carbohydrate, certain carbohydrate residues presented in a specific fashion structure components primarily found on the microbial surface, okay। जैसे peptidoglycan layer है, peptidoglycan layer में carbohydrate residues are there, so these is only found in the microbial surface, not on mammalian surface, okay। So as its specific receptor molecules, kya hai specific receptor molecule iska, MBL, okay, mannose binding lactin। बहुत तरह के लैक्टिन होते हैं, एक सिंपल वाला है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, एक को याद रखिए आप, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन MBL। The first lactin, it is the first lactin demonstrated to be capable of initiating complement activation, binds close knit arrays of mannose residues that are found on microbial surfaces such as those of Salmonella, Listeria, Neisseria strains of the bacteria, is sab par bhi hai, even Cryptococcus ke upar bhi hai and Candida albicans ke bhi upar hai, okay।
स्ट्रेंस ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया में इसके ऊपर, फंजाई में भी सबके तरह के ऊपर हम बताए थे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बन जाता है कैंडिडा एल्बिकन, ओके, इन द केस ऑफ इम्यूनो चैलेंज पर्सन इम्यूनो डिफिशियंस जिसमें सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी है जैसे HIV वाले, ओके, या जिसमें किसका आपका एंटीबायोटिक का एब्यूज है जिस पर्सन में, तो हेल्दी फ्लोरा जो है उसका नष्ट हो गया, तो हेल्दी फ्लोरा नष्ट होने के बाद म्यूकोसल सरफेस पर इसको जगह मिल जाता है कैंडिडा एल्बिकन्स को ग्रो करने के लिए, तो ये ग्रो करता है। और ये इतना साधारण है, सबके बॉडी में ही रहता है, इतना साधारण है कि हम लोग में कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जैसे इम्यूनोडिफिशियंट हुए ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बन जाता है और ये जान तक ले सकता है, तो HIV वाले पर्सन को ये जान भी ले सकता है कैंडिडा एल्बिकन्स। स्ट्रेन ऑफ फंजाई एंड इवन द मेम्ब्रेन ऑफ सम वायरसेस सच एज HIV के ऊपर भी है ये, लेकिन HIV जो है इस कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को आपको बाईपास कर जाता है, इवन इसके ऊपर ये पॉलीसेक्राइड चेन है बट इट बाईपासेस। एंड रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, एक होता है ये वायरस है जिसमें बहुत सारे एक रेस्पिरेटरी एल्वियोलाय में घुस जाता है और बहुत सारे सेल्स को ये क्या बोलते हैं इन्फेक्ट करके मेनी न्यूक्लियोइड बॉडीज आर फॉर्म इनसाइड ए सेल, बहुत सा वायर बॉडीज बनाता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस है एंड इट बर्ड्स एंड नाउ द वायरस विल बी रिलीज इन द बॉडी, तो ये भी खतरनाक है एक तरह का। द कॉम्प्लीमेंट कोरोना भी ऐसे ही कुछ करता है क्या सर? हाँ, कोरोना भी समझ लो, दैट इज नॉट द सिंस, कोरोना इज नॉट सिंसिटियल वायरस, इट इज अ डिफरेंट वायरस। द कॉम्प्लीमेंट पाथवे दैट इट इनिशिएट्स इज रेफर्ड टू एज द लैक्टिन पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, इसीलिए इसका नाम है इस पाथवे का लैक्टिन पाथवे। समझ लीजिए आप मोटा मोटी यही है, लैक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा है आप देख रहे हैं यहाँ, MBL का स्ट्रक्चर जो है C1Q के जैसा है, ओके, ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ना। यस सर ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ठीक है, किससे मिलता जुलता है स्ट्रक्चर है C1Q से, देखिए ये C1Q था क्लासिकल पाथवे वाला, ठीक है, ये पूरा C1 है, पूरा C1 कॉम्प्लेक्स है यहां से लेके यहां तक, ये पूरे C1 कॉम्प्लेक्स में C1Q प्लस C1R2 प्लस C1S2 है, यानी दो R2 है दो S2 है, तब ये C1 कॉम्प्लेक्स हुआ, तो ये R2 S2 ये ब्लू वाला है और C1Q ये लाइट ग्रीन वाला है, तो इससे स्ट्रक्चर देखिए मैच कर रहा है MBL का भी, इट्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, और R1 और S2 जो है यहाँ मास्क 1 और मास्क 2 है, ठीक है, ये ब्लू वाला, बस नाम बदल गया, स्ट्रक्चर सेम है, मोर और लेस सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम, और स्पेसिफिसिटी अलग है इसलिए अलग है इसका फंक्शन। मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन जो है फर्स्ट लैक्टिन डिमोन्स्ट्रेटेड टू कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग, सॉरी कहाँ तक पढ़ रही थी, फर्दर कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुगर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय MBL डिमोन्स्ट्रेटेड दैट MBL ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस स्ट्रक्चर्स इन एडिशन टू मैनोज, सिर्फ मैनोज ही नहीं और भी एडिशनल सुगर्स है जिसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है प्रेजेंटेड इन स्पेसिफिक फैशन, लेकिन सिर्फ MBL जो है बहुत तरह के है ना, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन से और भी तरह के हैं, तो सबका अलग अलग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है, कुछ मैनोज को रिकॉग्नाइज कर रहा है अरेंज इन स्पेसिफिक वे, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन है इसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, ग्लूकोस अमाइन क्या होता है एनीबॉडी, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें अमाइन ग्रुप है समझ लो, ठीक है ना, और एन और अमाइन ग्रुप का जो है नाइट्रोजन इज एसिटाइल, ओके, एसिटाइल में क्या हो गया CH2CH3, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसमें एक अमाइन ग्रुप है, उस अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल ग्रुप है, ओके, तो डी ग्लूकोज ये हो गया आपका जो नॉर्मल ग्लूकोज है डी ग्लूकोज, एल फ्यूकोज ये सब के साथ भी ये इनिशिएट कर सकता है, नॉर्मली दीज आर प्रेजेंट ऑन बैक्टीरियल और पैथोजन सेल सरफेस, देख रहे हैं आप ये चॉकलेट कलर का दिख रहा है आपको पॉलीसेक्राइड चेन,
okay. All the, those sugars, including mannose, present their associated hydroxyl groups in a particular three-dimensional array. Thus, one can think of MBL as a classic pattern recognition receptor. Okay, MBL क्या है? Classic pattern recognition receptor है. बता ही रहे हैं आपको, pattern recognition receptor है. Consistent with MBL's place at the beginning of an important immune cascade, many individuals with low levels of MBL suffer from repeated serious bacterial infections. Lactin pathway भी initiate होना, काम करना बहुत जरूरी है. क्यों? ये innate component है आपका immune response का. क्लासिकल पाथवे तो बाद में आएगा एक्शन में, क्योंकि क्लासिकल पाथवे के लिए क्या जरूरी है, एंटीजन एंटीबॉडी. एंटीबॉडी तो बाद में जनरेट होगा, उसको जनरेट होने में टाइम लग जाएगा. और इमीडिएट इननेट कंपोनेंट का एक्शन जो होता है इमीडिएट होता है. तो लैक्टिन पाथवे जैसे ही पैथोजन से एनकाउंटर होगा, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एक्ट करेगा, इमीडिएटली इट विल स्टार्ट. ओके, लेकिन क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होने के लिए एंटीबॉडी बनने का वेट तक करना पड़ेगा. इसीलिए इंपॉर्टेंट है काफी, और इसके डिफिशियंसी से सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस रिपीटेड हो सकते हैं, होते हैं. MBL इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड बाय द लीवर एंड लाइक C1Q व्हिच इट स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स. MBL बिलोंग्स टू द सब क्लास ऑफ लैक्टिन्स नोन एज कलेक्टिन्स. चैप्टर 5 में और डिटेल में है. चैप्टर 5 में क्या है इसका, हमको लगता है चैप्टर 5 में होगा इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है, तो पढ़ेंगे जब चैप्टर 5 तो उसमें बताएंगे. मतलब अभी आप जान लीजिए कि लैक्टिन है एक क्लास ऑफ मॉलिक्यूल, उस लैक्टिन का सब क्लास जो है कलेक्टिन्स है, और कलेक्टिन्स में बहुत सारे हैं, उसमें MBL इज वन ऑफ देम. मोर रिसेंटली फाइकोलिन्स, हम जब पढ़े थे अपने टाइम में फाइकोलिन वर्ड था ही नहीं, अभी नया देख रहे हैं किताब में फाइकोलिन हुआ है. More recently, the phycolins among family of proteins structurally related to collectins have been recognized as additional initiators of the lactin pathway of the complement activation. तो अब देखिए, MBL के अलावा phycolins भी होते हैं जो कि initiate कर सकते हैं. तो समझ लीजिए, phycolin is equivalent to MBL. फाइकोलिन भी तीन तरह का है, एल फाइकोलिन, एच फाइकोलिन, एम फाइकोलिन. इसको बाद में कह रहा है कि चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे, और चैप्टर 5 में जब आएंगे तो देखेंगे, हम भी पढ़ेंगे उसमें, हमको भी नहीं पता है क्या है ज्यादा डिटेल में फाइकोलिन क्या होता है. हैव बीन रिकॉग्नाइज एज एडिशनल इनिशिएटर्स ऑफ द लैक्सिन पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन. तीन तरह का फाइकोलिन है, लाइट वेट फाइकोलिन, हैवी वेट फाइकोलिन एंड मीडियम वेट फाइकोलिन, हमको लगता है LHM. Each bind specific types of carbohydrates on microbial surface. We will use MBL as our example in subsequent paragraphs. तो आप याद रखिए, मैनोज लैक्टिन पाथवे बताओगे तो MBL ही यूज करना, ओके? इसकी बुक में भी MBL यूज कर रहा है आगे. देखिए, अब 10 मिनट टाइम बचा है, हम इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, बस दो पैरा बचा है. बोर तो नहीं हो गए आप लोग? थकान हो गई है पढ़ते पढ़ते? नो सर. ओके, चलिए बस दो पैरा बचा है, क्या टाइम? सर सर, ये बुक एडिशन नहीं है ना, ये ग्रुप में शेयर किया है, ये 6th एडिशन है. 6th एडिशन का है? हाँ, 6th एडिशन. थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा हमको 5th से. दिखा दे. नहीं नहीं, ये तो मेरा नोट है, ये बुक थोड़े है. ये मैं बुक से फोटो कट कॉपी और ये सब टाइप है, देखो. okay, ये मैंने बुक से मेहनत करके कॉपी पेस्ट किया भैया, और उसको मॉडिफाई किया हूँ. वही सर, 6th एडिशन में इतना नहीं दिया हुआ है शायद. हाँ नहीं, ये मैंने मॉडिफाई किया, ये मैं लास्ट में चैप्टर खत्म होगा, ये पिक्चर भी मैं और भी अलग अलग तरह से दूसरे जगह जैसे लगा लगा के लाया. तो और कोई नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा. बुक तो है इधर. नहीं, फिर फेगोसाइटोसिस हम स्टार्ट किए थे, नहीं कर सके क्योंकि कम्प्लीमेंट पढ़ाना जरूरी हो गया था. कम्प्लीमेंट सिस्टम खत्म करके फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लामेशन बताएंगे, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम स्टार्ट किए थे. अब देखिए,
सिक्स्थ एडिशन है। हाँ कोई नहीं, इसको खत्म कर लो, ये हम शेयर कर देंगे, उसके टेंशन नहीं है, वीडियो भी है ही। ओके, लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं हम, और इम्यूनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है और काफी इसका फ्यूचर में यूज, अभी सब रिसर्च इसी फील्ड में हो रहा है। आदमी बचेगा तब ना कुछ करेगा भैया, सारा बीमारी और सब सबका इलाज इसमें खोजा जा रहा है, वैक्सीन डेवलपमेंट ये वो। ओके, सो अब देखिए एमबीएल जो है, एमबीएल इज एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड इन द सीरम। अब कैसे लेक्टिन पाथवे कैसे स्टार्ट होता है, देखिए कॉमन फीचर है, कैसे जैसे वहां पर हो रहा है क्लासिकल पाथवे वैसे ही यहाँ भी हो रहा है, बस नाम बदल दीजिए, एम सी वन क्यू आ रहा था, यहाँ एमबीएल आ रहा है। एमबीएल इज एसोसिएटेड इन द सीरम विद एमबीएल एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस, मास प्रोटीन बोलते हैं। थ्री मास प्रोटीन आर देयर, मास वन टू एंड थ्री, जिसमें टू जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का मेन फंक्शन हैव बीन आइडेंटिफाइड, बट मोस्ट स्टडीज ऑफ मास फंक्शन पॉइंट्स टू द मास टू प्रोटीन एज बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एमबीएल पाथवे। लेक्टिन पाथवे में एमबीएल इज द इनिशिएटर और सीरीन प्रोटीएजेस मास टू, याद रख लेना, सी वन आर और सी वन एस के बदले मास टू है। अब मास टू जो है क्या कर रहा है, मास टू इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू सीरीन प्रोटीएजेस C1S and can cleave both C2 and C4. Mast का भी C1S की तरह दो substrate है C2 and C4, giving rise to C3 convertase, C4 भी C2 है। हम बता दिए C4 भी C2 है कैसे बना, सेम वे है यहाँ भी, दैट वी फर्स्ट एनकाउंटर्ड इन आवर डिस्कशन ऑफ द क्लासिकल पाथवे, पहले देख लिए। दस द लैक्टिन पाथवे यूटिलाइजेज ऑल द सेम कंपोनेंट्स एज द क्लासिकल पाथवे विद द सिंगल एक्सेप्शन ऑफ C1 कॉम्प्लेक्स। बस एक ही अंतर है, C1 कॉम्प्लेक्स की जगह यहां पर क्या है, MBL और MASP2 जो C1 कॉम्प्लेक्स का काम कर रहा है। The soluble lectin receptor, lectin receptor कौन है, soluble lectin receptor कौन है, MBL. The soluble lectin receptor replaces the antibody as the antigen recognizing component. And यानी antigen recognizing component को ये replace कर रहा है, okay? Soluble lectin receptor ही जो है वही recognize कर जा रहा, कर ले रहा है किसको, एंटीजन को डायरेक्टली स्पेसिफिसिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज करने के बदले स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंड उसके बाद मास प्रोटीन टेक्स द प्लेस ऑफ C1R एंड C1S इन क्लीविंग एंड एक्टिवेटिंग C3 कन्वर्टेज। वंस द C3 कन्वर्टेज इज फॉर्म, C1R C1S का काम मास ले लिया, अब मास क्या किया, मास बाइंड किया पहले C4 से, C4 से बाइंड करने के बाद C4B C2A, C2A गया एनाफिलाटॉक्सिन के लिए, C4B से बाइंड किया C2, C2 जब C4B से बाइंड किया तो इस बाइंडिंग के बाद C2 जो है वो दैट कैन बी एंजाइमेटिकली क्लीव्ड बाय मास 2। C2 अकेला मास 2 के द्वारा नहीं कन्वर्ट हो, जब C4B बाइंड किया तब अब एंजाइमेटिकली ये क्लीव हो सकता है। एंजाइमेटिकली क्लीव होने के बाद अब C3B बाउंड है C2A बाउंड है C4B से, C2 का बड़ा वाला फ्रेगमेंट C2A होता है, C2A बाउंड है, C2A के अंदर भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, बट दिस विल नॉट फंक्शन अलोन, जब C4B बाउंड होगा तभी फंक्शन करेगा। तो नाउ C4B C2A बाउंड इज वर्किंग एज योर C3 कन्वर्टेड एंजाइम। द रिएक्शन ऑफ द लैक्टिन पाथवे आर द सेम फॉर द क्लासिकल पाथवे। अब फिर C5 कन्वर्टेज एंजाइम भी प्रोड्यूस हो जाएगा, C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो प्रोड्यूस हुआ वो C3 को C3B एंड C3A में कन्वर्ट कर रहा है, C3B बाउंड कर गया C3 कन्वर्टेज से, तो क्या हो गया, लाइक दैट ऑफ क्लासिकल पाथवे इज ऑल्सो नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग गिविंग राइज टू C4B C2A एंड C3B। ओके, C4B 2A 3B, ये हो गया C5 कन्वर्टेज एंजाइम ऑफ योर लैक्टिन और क्लासिकल पाथवे, यू कैन से। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी, हेलो
सर सी वन और मास सी वन और ये एम बी एल में अंतर क्या है सर? सी वन कॉम्प्लेक्स और एम बी एल में अंतर यही है। एम बी एल जो है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर है, ओके, स्ट्रक्चरली दे आर सेम, बट फंक्शन ऑफ एम बी एल कोरेस्पॉन्ड्स टू द फंक्शन ऑफ सी वन क्यू कंपोनेंट ऑफ द सी वन कॉम्प्लेक्स। सी वन कॉम्प्लेक्स में सी वन क्यू जो काम कर रहा है वही एम बी एल काम कर रहा है। सी वन क्यू को जरूरी है एंटीबॉडी की, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन स्पेसिफिक होता है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से सी वन क्यू बाइंड कर रहा है, लेकिन एम बी एल जो है उसको एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पैथोजन के सरफेस पर जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू है उसी को पहचान करके बाइंड कर जाएगा। ओके, ये अंतर है, इसीलिए इननेट कंपोनेंट है आपका इम्यूनिटी का। और आप समझ लीजिए एम बी एल प्लस एम एस मास्प दोनों मिला के सी वन कॉम्प्लेक्स हो गया, इक्विवेलेंट टू सी वन कॉम्प्लेक्स, काम एक ही हो गया। सी वन कॉम्प्लेक्स का जो काम है वही काम एम बी एल और मास्प टू दोनों मिलके कर रहा है। हाँ तो सर हम ऐसा कह सकते हैं कि एम बी एल जो है वो सी वन क्यू है और मास्प टू जो है वो सी वन एस है और दोनों मिला करके सी वन वन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट है ना। नो सर, एक्चुअली मतलब कि फंक्शन में एक जैसा है इस तरह से। फंक्शन, यस, फंक्शन वर्क एक जैसा कर रहा है, मतलब जैसे सी वन जिस जो रिस्पांस करता है वही करता है, वो वैसा ही वर्क करता है। जो सी वन क्यू कर रहा है क्लासिकल पाथवे में वही काम एम बी एल कर रहा है लैटिन पाथवे में। जो काम C1S कर रहा था क्लासिकल पाथवे में वही काम मास्प कर रहा है लेक्टिन पाथवे में, लेकिन डिफरेंट है वो, मतलब सेम नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली दे रिजेंबल बट नॉट एग्जैक्टली सेम, दे रिजेंबल बिकॉज देयर फंक्शन आर सेम, दैट इज व्हाई दे रिजेंबल इन देयर स्ट्रक्चर। एक सेम फंक्शन होगा तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी सेम हो ही जाएगा, इसीलिए स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली सेम। अमाइनो एसिड का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है बट द फंक्शन इज सेम। क्लियर है? और कोई सवाल? अगर सेम होता तो वो भी क्लासिकल पाथवे में इन्वॉल्व हो जाता, इस टाइप से हो सकता सेम है, लेकिन देखिए ना एडवांटेज है इसका ना, क्लासिकल पाथवे को स्टार्ट होने के लिए एंटीबॉडी चाहिए, एंटीबॉडी तो बनेगा जाकर के एक हफ्ता बाद ना। एंटीबॉडी कब बनेगा आपको पूरा हम ओवरव्यू दिया इम्यून सिस्टम का, एंटीबॉडी बनने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, एंटीबॉडी बनने के बाद पहले क्लोनल सेलेक्शन होगा, फिर प्रोलिफरेशन होगा, ओके, प्रोलिफरेशन के बाद फिर बी के ऊपर प्रोलिफरेशन किसका होगा, जिसका सेलेक्शन हो गया जिस रिसेप्टर का। एंटीजेनिक चैलेंज आया तो एंटीजेनिक चैलेंज का स्पेसिफिक